बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में जनवरी के पहले पखवाड़े में दो महत्वपूर्ण आयोजन का साक्षी इंदौर शहर बनने जा रहा है। 8 से 10 जनवरी तक यहां 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 200 प्रमुख उद्योगपति शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के साथ ही इंदौर 68 देशों के प्रवासियों राजनेताओं का स्वागत करेगा। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी दिवस के आयोजन से इसकी शुरुआत होगी। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी पहुंचेंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। मेहमान नवाजी का इतनी बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बंसल न्यूज ने एयरपोर्ट से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक हो रही तैयारियों का जायजा लिया। इंदौर में अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है और खासतौर से G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंदौर पहुंचे और NRI जो सम्मेलन है उसमें शामिल हो। हमारे साथ प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, तो पहला कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जैसा आह्वान किया था, और आप जानते हैं देश हो या विश्व, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोग खड़े हो जाते हैं। इतने नेता के प्रति विश्वास का भाव वैश्विक आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। आज 3,800 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। दो देशों के राष्ट्रपति, सूरीनामा और गुयाना के राष्ट्रपति जी स्वयं पधार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 9 तारीख को आएंगे, 10 तारीख को अपने भारत के राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी वो भी आएंगे, और जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनका सम्मान उस दिन चयन किए हुए लोगों का करेंगे। पूरा इंदौर अगवानी को आतुर है, मध्य प्रदेश आतुर है, और पहली बार लोग जो प्रवासी भारतीय हैं लोगों के घरों पर रुक रहे हैं। ये अपने आप में अभिनव और अनूठी पहल है। लोगों ने घर अपने द्वार सजाए हैं, रंगोली बनाई है। 8 तारीख के ये शुरू होगा और ये 8 तारीख को यूथ प्रवासी सम्मेलन है, और इसमें हमारे यूथ और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, वो रहने वाले हैं। इसके अंदर अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, और जिस तरह से इंदौर हमारा हर क्षेत्र में अव्वल रहता है, मुझे लगता है कि ये भी अव्वल का एक इतिहास इंदौर नया बनाने के लिए जा रहा है। जिस तरह से लोगों ने सजावट की है, सबका स्वागत है, सबका वंदन है। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सभी का स्वागत करता हूँ। खासतौर से भारतीय सम्मेलन की बात करें तो मध्य प्रदेश या पूरे देश की बात करें तो पूरे विश्व में कई बड़े संस्थान ऐसे हैं जहां पर भारत के नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या पॉलिटिकल नेताओं की बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में बड़े पदों पर बैठे हैं। खासतौर से सम्मेलन की दृष्टि से बात करें तो सब एक मंच पर इकट्ठे होंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की ताकत एक बार फिर से बढ़ेगी और दुनिया के सामने भी आएगी। निश्चित रूप से भारत की ताकत बढ़ेगी, और आज वैश्विक पटल पर IT के क्षेत्र में तो सभी जगह के हेड हमारे भारत के ही है, और वो सब उस दिन एक जगह पर संगम होगा। अप्रवासी भारतीयों का महाकुंभ लगेगा, सबके दर्शन होंगे और भारत को ताकत मिलेगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराएगा, और जब अप्रवासी भारतीय में करीब 3,500 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर में शिरकत करेंगे। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।